ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है मुद्रा राक्षस का लिखा हुआ नाटक संतोला। आज प्रस्तुत है इस नाटक की पहली कड़ी। संतोला एक औरत है जो धीरे धीरे मर रही है, इसीलिए संतोला एक यात्रा है जीने की। हिमालय के उत्तरी छोर पर यहां अजनबी लामाओं के परिवेश में आदमी की सभ्यता क्या एक और संतोला है? तो सुनिए चिरंजीत के निर्देशन में ये नाटक संतोला। मैंने घड़ी में शायद चाबी नहीं दी। वक्त क्या है सुफीर? यहां पहाड़ों पर क्या घड़ियों में गड़बड़ी हो जाती है? नहीं नहीं, ठीक है ठीक, चलिए। सुखबीर सर, किताब दे दो मुझे। नहीं नहीं, दोनों उठाओ। अजीब जहालत है, इंडोलॉजिस्ट बनते हैं, किताब पढ़ते हैं अंग्रेजी में, पाली और संस्कृति नहीं तिब्बती में है किताबें। दिमाग लगता है, तमगे से इंडोलॉजी नहीं आती। ग्रांट नहीं देंगे, ग्रांट नहीं देंगे तो सच्चाई मिलेगी नहीं। ग्रांट, जैसे ग्रांट पाकर ही तो दीपक का श्रीज्ञान अतिश हो गया था। स्टॉप, ये देखो चौथा अध्याय ये रहा। वैसे एक बार सुन लो सुखबीर, इंस्टीट्यूट अब ग्रांट देगा भी तो नहीं लूंगा। उसके बिना ही तुम दोनों को मेरे साथ चलना हो तो चलो, वरना अकेले ही जाऊंगा। अरे संतोला कहाँ है? शायद बाहर है। बाहर है? कमाल है, उसे इंटरेस्ट ही नहीं है जैसे। हद हो गई, उसी की थीसिस का सब्जेक्ट है। ये देखो ये पूरा खंड हाकोरल दे के बारे में, वो वही कैद था जहाँ बका गदम स्प के पीछे वही था, समझते हो जी? मेरे पास पूरा सबूत है। ये नक्शा, ये पेंसिल के निशान देखो, यहाँ से कॉन्स्पिरेसी चलने नहीं दूंगा इनकी, चलते हैं। देखो ये देख रहे हो, जरा संतोला को बुलाओ। संतोला किस खपती से बात कर रही है? संतोला संतोला, मैं दिखाता हूँ। संतोला संतोला, तुम लोग वक्त कितना बर्बाद करते हो, यहाँ किससे बात कर रही थी? बात? मैं तो चुपचाप खड़ी है, जुलूस देख रही हूँ। जुलूस? और वो खपती सा आदमी? कौन खपती सा आदमी? वही जो अभी अजीब अंग्रेजी में पता नहीं क्या कह रहा था। वो यहाँ अभी नहीं। ये हाँ। ये लोग क्या बोल रहे हैं, कोई मंत्र पाठ? कोई भिक्षु मर गया है शायद। इस पहाड़ी इलाके में ये मंत्र पाठ कैसा डरावना सा लगता है, क्या कह रहे हैं ये लोग? चलो तैयारी कर लेते हैं। तैयारी? ग्रांट नहीं मिली ना सही, मगर आप तो कह रहे थे कि हाँ, फौजी कमान ने उस इलाके में जाने से मना किया है। न कथंच न गंतव्यम कुरुणाम उत्तरेण। महाभारत में भी चेतावनी दी गई थी कि खबरदार उत्तर गुरु के उत्तर में मत जाना, लेकिन दीपंकर श्रीकांत रुक तो नहीं गया। संतोला सुबीर, तुम रात के पिछले पहर 2:30 बजे उठ सकते हो? मजबूत आदमी हो, क्या मुश्किल है? जी उठ जाऊंगा। प्रोफेसर आप इसकी जान ले लेंगे, आगे पीछे इसका कोई है नहीं, और आपका अच्छा शिष्य है, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम लोग कोई 2:30 बजे उठेंगे। रेस्ट हाउस से चुपचाप निकलेंगे। वी शैल नॉट लेट देम नो। मुझे जगह मालूम है, सड़क छोड़कर चढ़ाई चढ़ेंगे तो सुबह तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, हमें एक एक मिनट वक्त बचा के रखना है। जी बस हमें सिर्फ टॉर्च चाहिए और एक कुदाल और किट बैग में कुछ सैंडविचेस और पानी की बॉटल भी ले लेना भाई। चलो ले चलो, वैसे शाम तक वापस ही आ जाना। कौओं की आवाज सुनने का नहीं है, जरा सी निगाह चूकी ही तो हजारों फीट नीचे खड्डे में पहुंचोगे। कितनी गहराई है, एक विराट कुआं हो जैसे। टांगों की पेशियों में मरोड़ उठने लगती है देखकर। ऋग्वेद की वो क्या ऋचा थी, त्रिता कूपे अवहितो।
मृत कुएं में गिर गया। तब उसने देवताओं को पुकारा, उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी, किसी ने नहीं सुनी। थक गए? नहीं सर। संतोला, तुम खामोश क्यों हो इतनी? जी मैं, आप भी तो कहाँ बोल रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, भुवन कैसे हैं? एकाएक आपको मेरे पति का ख्याल क्यों आया? वे काफी दौरे पर रहते हैं। जी नीचे खट में मत देखो सुफी, नीचे देखना खतरनाक होता है। सर आप कह रहे थे वहां आपने किसी को अजीब अंग्रेजी में बातें करते सुना था। वहम था शायद। वहम? आप वहाँ रेस्ट हाउस में महाभारत के जिस श्लोक का जिक्र कर रहे थे वो किस सिलसिले? देखो देखो स्लेटी पत्थर गिर पड़ा है, पैर न फिसल जाए। होशियारी से महाभारत के श्लोक के बारे में आप कुछ पूछ रही थी? यहाँ से जरा होशियारी से, वो उत्तर की तरफ जो टेकरी दिख रही है बस वहाँ तक और पहुँच जाए। वो महाभारत क्या? महाभारत? देखो बहुत आहिस्ता आहिस्ता संतोला। महाभारत का क्या? खबरदार तुम लोग उत्तर कुरु के उत्तर की ओर मत जाना, वहां असीम अंधेरा होता है और उसके आगे का हाल कुछ भी नहीं मालूम। आगे का हाल कुछ नहीं मालूम। Great miracle! Man. Professor, जैसे क्या हुआ आपको? आप अचानक पसीना, क्या थक गए? मुझे लगा जैसे जैसे मेरा पैर फिसला। हमें तुम इतनी पीछे क्यों रह जाती हो संतुला? मैं नहीं तो आप कुछ ज्यादा तेजी से चल रहे हैं। खैर हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, देखो मेरी तरह चट्टानों पर पैर जमा जमा कर आगे बढ़ो। पैर जमा जमा कर? इतनी आसानी से शब्दों पर आपका पांव अब नहीं जमता। शब्दों में स्लेटी पत्थर से ज्यादा फिसलन है। क्यों पूछा था आपने भुवन के बारे में वो सवाल? और पूछा था तो उत्तर के लिए रुके क्यों नहीं? सच है भुवन महीने महीने दौरे पर रहते हैं, मैं अकेली ही तो होती हूं। फिर आप अनुमान लगाए बिना कैसे रह सकते हैं प्रोफेसर साहब? लेकिन प्रोफेसर अतृप्ति की भाषा क्या सिर्फ बिस्तर ही होती है? पहाड़ों पर सन्नाटा डरावना होता है। लगता है क्या? सर आप थक गए होंगे, अपना बैग मुझे दे दीजिए। नहीं नहीं ठीक है आगे बढ़ो, निकट निकट ही काफी देर कटी थी। मगर प्रोफेसर वो उत्तर की तरफ वाली टेकड़ी तो छुप गई। नहीं बस उधर वाली चट्टानों के ऊपर पहुंचने ही तुम थक तो नहीं गई? अरे आप गिर गए। संतोला गनीमत है नीचे खट में ही नहीं जा गिरी, कितनी बड़ी दुर्घटना हो रही थी। तुम लोग उधर उधर ज्यादा देखने लगते हो। चोट लगी? अरे आपको तो टखना चल गया। नहीं नहीं कोई बात नहीं, बस सिर्फ यही चट्टान रह गई है। संतोला झाड़ियों पर पैर टिका कर ऊपर आ जाओ। देखिए खून निकल आया, ठहरिए मैं रुमाल बांध दूं। ये छिला हुआ टखना, पिंडलियां इतनी सफेद होती है प्रोफेसर, किताबों के अलावा भी एक दुनिया है ना, अनुसंधान नोट्स निबंध, इनके बाहर ये सफेद पिंडलियों वाली दुनिया मुझे देखने देंगे? सरासा मुझे देखने देंगे? सफेद पिंडलियों वाली दुनिया मुझे देखने देंगे? लो हम आ गए संतोला, हम आ गए। ये रही वो गुफा
अब जरा चारों तरफ नजर दौड़ाओ। यही कैद किया गया था ज्ञान प्राप्त हकोर दे तिब्बत का वो अध्येय था जिसने मतानता को चुनौती दी थी। यही अब गुफा अहमक अनपढ़ 10-20 किताबें अंग्रेजी की पढ़नी सफ हो गया। मैं साबित करूंगा मुंह धुआं हो जाएगा धुआं। गुफा कुएं जैसे गहरी है और नीचे सीढ़ियां भी बनी। ग्रांट नहीं देंगे, ग्रांट नहीं देंगे तो दुनिया अंधेरी रह जाएगी। अरे मैं देख लूंगा। आप कुएं में गिर गया। अंतुला तुम हंस क्यों नहीं थी? मैं? हे भगवान, इतनी भयानक गुफा, हंसी आएगी या डर लगेगा? मगर तुम मैं हंस तो नहीं रही थी, बल्कि मैं अचानक खामोश हो गई थी। नीचे सीढ़ियां बहुत दूर तक है, वो अंदर अंधेरा कितना है। डरो नहीं सोफी, जरा टॉर्च देना, चले आओ। आओ आओ उधर उधर। सीढ़ियां बहुत गहराई तक चली गई हैं। कितनी सीढ़ियां होंगी अभी? तो उतरते चलो। कैसी सीलन है प्रोफेसर, इस गुफा में कोई जानवर तो नहीं हो सकता ना? जानवर? बार बार तुम कहना क्या चाहती हो संतुला? तुम्हारे शब्द रास्ता काट कर क्यों चले लगते हैं? क्यों? तुम्हें हंसी किस बात पर आ रही है संतुला? हंसी? हाँ? नहीं तो? हाँ, मुझे एक अजीब बात सूझी। शायद ऐसा ही अंधेरा होता होगा वहां भी। कहाँ? औरत के गर्भ में, मुझे लगा। और इसी तरह शायद वहां सीलन और घुटन भरा गुनगुना अंधेरा होता होगा। नहीं लगता है 3 शुक्राणु गर्भ की नली में रेंगते उतर रहे हो। वो वहां पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद। ये कैसी आवाज थी? कहीं दूर शायद लैंडस्लाइड। अरे लैंडस्लाइड भी कहीं हर 10-5 मिनट पर कहीं ना कहीं हो ही जाती है। इतनी आवाज होती है? अरे चलो उतरो, वक्त मत बर्बाद करो। संभल कर, यहाँ सीढ़ियां टूटी हुई हैं। बस आ गए। वो दाहिनी दरवाजा, उसके बाद समतल हॉल जैसी जगह है। इतनी बड़ी जगह है कि कम से कम 50 आदमी आसानी से रह सकते हैं। सुफीर, तुम्हें चोट तो नहीं आई? नहीं। अरे कहाँ हो तुम? कितनी दूर है सुफीर? वो है सतोरा, सीढ़ियों से नीचे गिर गई है। Are you all right? कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं, मैं ठीक हूँ सुखबीर। वो ठीक है, तुम खड़े तो हो जाओ, पैरों को जा हिलाओ। नहीं, मैं ठीक हूँ। कितनी धूल है, मगर ये हुआ क्या? शायद फिर लैंडस्लाइड हुई। सर, हम लोगों का रास्ता बंद हो गया सर। सारी सुरंग पत्थर मलबे से दब गए हैं। प्रोफेसर, अब हम घबराओ नहीं, देखेंगे। सुफीर, रास्ता बिल्कुल बंद हो गया क्या? हाँ सर, एकदम भारी भारी पत्थर अटक गए हैं। नीचे आ जाओ सुफीर, अगर कोई तो पत्थर रुका तो बचना मुश्किल होगा। पहले बैठने की जगह देख लें, फिर रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। आ जाओ। ये चबूतरे जैसे, ये क्या कब्रें हैं? नहीं, ये शायद लेटने के लिए चबूतरे हैं। तुम्हें चोट तो बिल्कुल नहीं आई ना? आप देख रहे हैं सर, कितनी बड़ी बड़ी चट्टाने इस हाल के दरवाजे पर आकर अटक गई, जैसे जैसे किसी ने हमें कैद कर दिया। गनीमत है हम वक्त से इस हाल में आ गए। संतोला, तुम भयभीत हो? अब क्या होगा प्रोफेसर, हम बाहर कैसे निकलेंगे? प्रोफेसर, जिस तरह हम चुपचाप हम लोग आए हैं, हमारा पता तो किसी को महीनों तक नहीं लगेगा। घबराओ नहीं, देखते चट्टाने हटानी होंगी। हो सकता है सिर्फ
दरवाजे पर ही पत्थर अड़ गया हो, आगे का बाकी रास्ता खुला हुआ। सुखबीर कुदाल देना जरा। आप रहने दीजिए सर, मैं खुद कोशिश करता हूँ। हाँ करो। कुएं में गिर गया। संतोला जी, तुम क्या बात है, तुम हंस रही हो? मैं नहीं, तो वैसे इस हालत में तो हम सबको हंसना चाहिए। संतोला टॉर्च ज्यादा मत चलाओ। क्यों? अंधेरे में दम घुटता है। जिंदगी में इतना काला अंधेरा मैंने कभी नहीं देखा। लगता है नहीं, मुझे टॉर्च जलाने दीजिए। टॉर्च कितनी देर जिंदा रहेगी? टॉर्च की रोशनी खत्म हो गई तो हम भी खत्म हो जाएंगे। एक दूसरे को देख ना पाने की मजबूरी का एहसास शायद मर जाने के एहसास से ज्यादा भयानक होगा। सुनो, थैले में कुछ खाने के लिए रख लिया था क्या? हाँ, कुछ सैंडविचेस हैं, बिस्किट भी हैं और पानी की बोतल। आप कुछ खाएंगे? नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। सुखबीर तुम कुछ खा लो। नहीं। खा भी लो। रहने दो संतोला, भूख नहीं है तो रहने दो। प्रोफेसर, एक दिन बीत गया या दो दिन? घड़ी में तारीख देखिए। घड़ी में? हाँ, घड़ी में। मैं इस तारीख की बात नहीं कर रहा। वो तारीख कौन सी है जो? कोई है, कोई है, बाहर कोई है, कोई है, कोई है, बाहर कोई है, कोई है, कोई है। सुखबीर बहुत डर गया लगता है, फिर कुदाल चलाने लगा। डर? शायद। सुखबीर को इधर ले आइए, कोई फायदा नहीं है, रास्ता इस तरह निकलेगा। मुझे लगता है वो बहुत डर गया है। कोशिश करने में क्या हर्ज है? मुमकिन है क्या? मुमकिन है, सब बेकार है। हमें इस जमींदोज कैदखाने से कोई नहीं निकाल सकता। उसे इधर ले आइए। मैं इसमें कोई गलत बात नहीं देखता। उसकी समझ की सीमा है, उसकी बाहर निकलने की छटपटाहट कुदाल है, मेरी शायद कलम हो। सुखबीर, उसे यहाँ बुला लीजिए प्रोफेसर। क्यों? यहाँ अकेले मेरे साथ बैठने में डर लगता है? डर? हाँ? क्या बात? सुखबीर, छोड़िए मुझे, चलो उधर बैठो। क्या फायदा सुखबीर, आओ यहाँ बैठो। हम लोग बातें करेंगे सुखबीर, बातें करो, मन बहलेगा। आप कुछ बात कीजिए ना प्रोफेसर। मैं? तुम लेट जाओ सुखबीर, थक गए होगे। हाँ हाँ, लेट जाओ। ओह, कितना पसीना है। इधर आओ, देखो सारा चेहरा पसीने से तर है, गर्दन और पेट तो भीगी पड़ी है, उतार दो इसे। ठीक है। नहीं नहीं, ठीक है। क्या ठीक है? बच्चों की तरह झेप रहे हो। ला, मैं उतारती हूँ। उतार देगा, क्यों परेशान होती हो? छोड़ दो उसे, अभी ठीक हो जाएगा। अरे तो क्या हुआ, लड़का है, उतार दो। ये भी उतारो, नीचे तो कुछ बहना ही होगा। चलो उतारो। शाबाश। जहां दूसरे का चेहरा क्या आकृति भी ना दिख रही हो, वहां तुम लड़कियों की तरह झेप रहे हो। अब उस बंद हुए रास्ते को भूल जाओ। आओ बातें करते हैं बैठकर। संतोला, महसूस हुआ क्या? जैसे जैसे गुफा की हवा में ऑक्सीजन कम हो गई। प्रोफेसर, आप थोड़ी देर ये सब भूल नहीं सकते? भूल सकता हूँ। सुखबीर कुछ बात करो ना, ऐसे चुपचाप क्या बातें करो? आप कीजिए ना। वक्त क्या हुआ है? बार बार
फूलने क्यों लगा हूं? ये खड़ी जिंदा है, मगर बार बार एहसास होता है जैसे कहीं कुछ मर गया है। शायद कोई चूहे जैसी चीज या कोई इतिहास। ठीक ही तो है, कहां है वो प्रोफेसर डॉक्टर सरन, पुरातत्व वेत्ता? सब तो भूल गया, जैसे ठग देने के बाद चिराग धीरे धीरे बुझ जाता है। बुझ तो गया सब, धुएं की गुंजलक हो जैसे। अब पुरातत्ववेत्ता प्रोफेसर डॉक्टर सरन से मैं अनुरोध करूंगा कि वे इस सेमिनार का विषय प्रवर्तन करें। प्रिय महोदय, हमें गौरव है कि हम आपको एशियाई अध्ययन संस्थान की ओर से पुरातत्ववेत्ता के रूप में मानपत्र भेंट कर रहे हैं। मैंने पहले चैप्टर की सिनॉप्सिस तो तैयार कर ली है जैसा आपने कहा था, पर ओह प्रोफेसर साहब, जी आप नहीं मुझे छोड़िए प्रोफेसर जी, नहीं मुझे छोड़ दीजिए। बुझ तो गया सब, तस्वीरें हैं सब हवा में उड़ती हुई, लेकिन ये सब गलत है संतोला। तुम्हारे लिए मैं यहां सिर्फ एक फंसा हुआ प्राणी हूं, लाचार। ये गलत है संतोला, गलत है। जी वो बैग कहां है? उसमें मेरी डायरी होगी। डायरी? हाँ डायरी, डायरी और टॉर्च देना, मैं डायरी लिखूंगा। सिर्फ असहाय मृत्यु की प्रतीक्षा के लिए ही मैं यहां नहीं हूं संतोला, ये एक साक्षात्कार है, एक आत्मबोध। मैं लिखूंगा तम दुर्दर्शम गूढ़म अनुप्रविष्टम गुहा हितम गफ्फरेष्टम। मृत्यु ने कहा ओ नचिकेता, वो मुश्किल से ही दिखाई देता है, बहुत जटिल है, वह दुर्गम गुफा में रहता है। सुबीर क्या हुआ? ओ सुबीर हद हो गई, जैसे बच्चों की तरह रो रहे हो। सुबीर सुनो इधर आओ, मुझे छोड़ दीजिए। तुम ओहो ये रोने की क्या बात थी अब, इससे फायदा? छोड़ दीजिए मुझे, मुझे मत बोलिए मुझसे, मैं बेकार बैठे बैठे मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, गुट गुट कर मरना नहीं चाहता, मैं गुट गुट कर मरना नहीं चाहता। प्रोफेसर वो काफी चालाक है। क्या मतलब? कुछ नहीं, चीखने वाला आदमी ध्यान खींचता है। आप कहना क्या चाहते हैं? इस बोतल का पानी क्या हुआ, सारा पानी खत्म कर दिया? कब तक चलता है? जलालत है। किसने कहा था कि ये पानी हद है? खुदा चलाने को बंद कर दिया। सुबीर मैं पूछता हूँ, तू बंद कर दिया खुदा चलाना। मैं माफी चाहता हूँ सर, मुझे पता नहीं था कि पानी खत्म हो गया है। तुम्हारे हाथ में कुदाल है? तुम मेरी हत्या करोगे? मेरा खून करोगे? मेरा खून करोगे? लो लो मारो, चलो चलो कुदाल उठाओ। प्रोफेसर प्लीज प्लीज, यहाँ अंधेरे में देखेगा कौन, कौन जानेगा? ये षड्यंत्र, चलाओ उठाओ कुदाल, मारो 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 मुझे कुदाल। इतना गहरा अकेलापन, लगता है इन ठंडे अंधेरे और सीले हुए पत्थरों के अलावा और कुछ भी परिचित नहीं है, किसी से बात नहीं हो सकती। कितना वक्त बीता होगा, घड़ी और तारीख ये पैमाने कितने छोटे हैं।
एक समूचा युग बीत जाता है, तब कहीं घड़ी का एक पांव आगे बढ़ता है। और अरे ये क्या है? शायद डायरी है, प्रोफेसर की डायरी। अप्रैल 5। अभी सिर्फ 2 दिन बीते, क्या लिखूं? बातें कहका लगाती हुई भीड़ की तरह थकेल कर गुजर जाती हैं। अपने हाथ कुछ सूखे हुए महसूस हो रहे हैं। पेट में रह कर मरोड़ उठती है। सिर्फ भूख का जिक्र। प्रोफेसर सरन, तुम्हारी डायरी में सिर्फ भूख का जिक्र है। कंतुला, टॉर्च क्यों चला रही? मैं समझी, आप सो गए हैं। मेरी डायरी? क्या हक है तुम्हें कि मेरी डायरी पढ़ो? छोड़ो इसे। डायरी प्राइवेट चीज होती है, और फिर किसी का क्या हक है कि मेरी डायरी पढ़े? लोग प्रोफेसर सरन की किसी चीज को छूने से पहले 10 बार पूछते हैं, इजाजत देते हैं, समझी? इजाजत देते हैं, पूछते हैं। सुखबीर, सो रहे हो? क्या हुआ? तुम डर क्यों गए? बात क्या है सुखबीर? तुम्हें क्या हो गया सुखबीर? ठहरो ठहरो, मैं सहला देती हूँ। प्रोफेसर, देखिए इसे क्या हो गया। ओह सुखबीर, मैंने सिर्फ टॉर्च को दिखाई थी, तुम ऐसे क्यों डर गए? इसे देखिए ना प्रोफेसर। ये शायद बहुत डर गया है, हम यहाँ कर क्या सकते हैं? ओह सुखबीर, अब तो जरा संभालो। सुखबीर, आप रहने दीजिए, मैं दरअसल मुझे लगा जैसे वो टॉर्च थी ना। हाँ, हाँ, मैं टॉर्च से तुम्हें देखने लगी थी। मुझे लगा किसी ने मेरी आंखें नोच कर बाहर निकाल ली और मैं अंधा हो गया। सुखबीर, अब कैसी तबीयत है? आई एम सॉरी सुखबीर, ठहरो, मुझे सीने की मालिश करने दो, आराम आ जाएगा। बस करिए, ठीक है अब। सुखबीर, तुमने मुझे भी डरा दिया, बस अभी लेटे रहो थोड़ी देर। ठीक है, जो कुछ है उसी की आदत पड़ जाएगी। मेरी दुनिया कितनी छोटी हो गई इस अथाह अंधेरे में। सिर्फ एक बिंदु, बिंदु को कुछ भी समझ लो, विश्वविद्यालय, किताबें, घर, रिश्ते, महत्वाकांक्षाएं, कुछ भी, पर ये बिंदु भी धुंधला पड़ता जा रहा है। और वही क्यों, ये वर्तमान भी धीरे धीरे हमारा आकार जैसे छोटा होता जाता है। आवाजें पता नहीं कितनी दूर से आती लगती हैं। प्रोफेसर, प्रोफेसर, जल्दी उठिए, इधर देखिए। संतोला, अभी आपने मुद्रा राक्षस का लिखा हुआ ये नाटक सुना। निर्देशक थे चिरंजीत, ध्वनि संयोजन गोपाल सक्सेना और सुदर्शन कुमार ने, और रिकॉर्डिंग एस के दास गुप्ता ने किया। भाग लेने वाले कलाकारों का परिचय इस प्रकार है। संतोला, वीणा होरा। सुखबीर, प्रमोद शर्मा। भुवन, विश्वमोहन बडोला। बूढ़ा पहाड़ी, दीनानाथ जुत्सी। पुरुष स्वर, राजमणि राय और विश्वप्रकाश दीक्षित बटुक। लड़की, सुषमा आहूजा। और प्रोफेसर सरन, ओम शिवपुरी। आज आप इस नाटक की पहली कड़ी सुन रहे थे। कल इसी समय इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी प्रसारित की जाएगी। केंद्रीय नाटक एकांश के लिए तैयार किए गए इस नाटक को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।